हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिवोली रिटेल टेक। फ्रेंड्स, माय टुडे सेशंस टॉपिक इज़ हाउ टू फाइट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग दिस कोरोना पीरियड। कोरोना काल में बेरोजगारी से कैसे लड़ें। दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत मैं गीता में लिखे उस संवाद से करना चाहूँगा जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। फ्रेंड्स, आई वॉन्ट यू ऑल टू रिमेंबर दिस ड्यूरिंग माई एंटायर सेशन। सो विदाउट एनी मोर डिले, लेट्स स्टार्ट। Friends, I got to know from some reliable sources that 14 to 20 crores of people will lose their job during this corona period. So sad. कितना चिंताजनक विषय है ना ये। तो क्या दोस्तों, चिंता करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं ना। तो क्या करें? जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, अगर मैं ये ज्ञान उन लोगों को दूं जिनकी नौकरी चली गई है तो क्या बोलेंगे? कर्म किए जा। अरे भाई, नौकरी नहीं है तो कर्म क्या होगा? कर्म हम क्या कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, आज हम इन्हीं सब चीज़ों को थोड़ा सा खंगालते हैं, थोड़ा सा माइंड स्टॉर्म करते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस सेशन के थ्रू मैं इस सेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट पार्ट, जहाँ अगर आप लोगों में से किसी की नौकरी चली गई है, नंबर वन पार्ट वो होगा। और दूसरा पार्ट, अगर आप स्टिल इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर, अगर आप अभी भी कहीं पर काम कर रहे हैं तो आप क्या करें, और अगर आपकी नौकरी चली गई है अनफॉर्चुनेटली तो आपको अभी क्या करना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम। वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, कैन यू इमेजिन द मेंटल सिचुएशन ऑफ दैट पर्सन हु हैव लॉस्ट द जॉब? उसका मानसिक संतुलन कैसा होगा जिसकी अभी अभी नौकरी चली गई है? I'm sure he will definitely be frustrated. He's in depression. उसको हमेशा चिंता रहेगी कि आगे का उसका फ्यूचर में क्या होने वाला है। एनग्जिटी में रहने लगेगा, फैमिली में झगड़े होने लगेंगे, रिलेशनशिप्स खराब हो जाएंगे उसके फैमिली के। और यही वो टाइम होता है दोस्तों जब अपराध को बढ़ावा मिलता है। सो डियर फ्रेंड्स, इस टाइम अगर किसी की नौकरी चली गई है तो उसको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना है कि उसको अपना मानसिक संतुलन बरकरार रखना है। He needs to stay motivated. Dear friends, motivation यहाँ पर सबसे ज़्यादा matter करेगा अगर आपकी job चली गई है unfortunately. Motivation सब जानते हैं कि बहुत important होता है, लेकिन it is very difficult to inculcate in yourself. But this is not impossible, dear friends. हमेशा ध्यान रखिए, आप अगर नॉर्मल सिचुएशंस भी होती हैं उस टाइम पर भी, अगर आप किसी भी जॉब पोर्टल्स में भी देखते होंगे, उसमें आजकल कंपनीज को सेल्फ मोटिवेटेड पीपल की ज़रूरत होती है। सेल्फ मोटिवेटेड पीपल ही ज़रूरत है आज के टाइम में। जो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, तो कंपनी के पास इतना टाइम भी नहीं है कि उनको मोटिवेशन की क्लासेस ही देते रहें हमेशा। और ख़ास तौर से ऐसे समय में जबकि कोरोना चल रहा है, हर जगह त्राही त्राही हो रही है, उस टाइम पे अगर कंपनीज मोटिवेशन क्लासेस देने लगी तो चल गई फिर कंपनी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो आपको अपने अंदर मोटिवेशन लाना ही लाना है, तभी आप वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाएंगे, उन अपॉर्चुनिटीज़ को समझ पाएंगे जो कि आपके दरवाजे की दस्तक दे रही होगी। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए जब हमारे पास जॉब नहीं है? फ्रेंड्स, यू कैन केयर योर फिजिकल हेल्थ इन दिस सिचुएशन टू केयर योर इमोशनल हेल्थ। अपनी इमोशनल हेल्थ को बरकरार रखने के लिए यू नीड्स टू टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ। डेली एक्सरसाइज करिए। सब जानते हैं, जान है तो जहान है। अगर आपके अंदर जान है, आपकी बॉडी स्वस्थ है, आपकी बॉडी में किसी तरह की कोई रोग नहीं है, यू कैन सर्वाइव। फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहिए। ये नहीं है कि सारे दिन आप अगर आपकी नौकरी चली गई तो बेड पर लेटे हुए सोचते हुए निकाल दें। अवॉइड सिटिंग आइडियल, कुछ ना कुछ करते रहिए। हेल्दी फूड लीजिए ताकि आपकी हेल्थ ठीक रहे। और हाँ दोस्तों, इस टाइम आपके पास अपॉर्चुनिटी है, यू कैन रिव्यू योर रिज्यूमे। आप अपने रिज्यूमे को फिर से देखिए, ब्रशिंग अप योर रिज्यूम दिस टाइम। अच्छे से रिज्यूम बनाइए। एंड आई एम गोना गिव यू अ टिप्स कि आप क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस टाइम पे जब आपके पास या किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जिसके पास इस टाइम पे जॉब नहीं है, वो जॉब पोर्टल्स पे जाएं, आप इंटरनेट खोलें अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, उसमें देखें कौन कौन सी जॉब साइट्स हैं। naukri.com है, टाइम्स जॉब्स है, और भी बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे जॉब पोर्टल जहाँ पर आप अपना रिज्यूमे अपडेट कर सकते हैं।
अपनी आईडी क्रिएट करिए हर जॉब पोर्टल पे, अपना रिज्यूमे डालिए, अपना रिज्यूमे डालिए, फॉलो अप करिए। अगर आप नॉर्मल जब आप जॉब करते थे उस टाइम कितने आवर्स की जॉब करते थे, 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे, क्या उस उतना टाइम हम जॉब सर्च करने में अगर देंगे तो हमें जॉब नहीं मिलेगी? आई एम श्योर ज़रूर मिलेगी। इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट एज इट सीम्स। दोस्तों, इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री, जॉब मिलेगी मिलेगी। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं जो जिनको कि एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, आप जैसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है जो मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग हैं। सो अपना फ्यूचर पर फोकस रखिए कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, कैसे क्या करना है, आगे स्ट्रेटजी बनाते रहिए और अपने बॉसेस से बात करते रहिए। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, जहाँ से भी आपकी जो भी लास्ट जॉब है वहाँ से कभी भी नाराज़ होकर नहीं आना है, या किसी से लड़ झगड़ के नहीं आना है, किसी की को जवाब दे के नहीं आना है इस तरीके से कि अगर जॉब चली गई तो आप वहाँ से रिलेशंस ही ख़त्म करके आ गए। रिलेशंस आपके मेंटेन रहने चाहिए। आपके बॉसेस की हो सकता है कुछ मजबूरी रही हो तभी आपकी जॉब गई हो। आपके बॉसेस को आपका नाम हमेशा ध्यान रखे, वो ऐसा कुछ करके जाना चाहिए ताकि जब अच्छे दिन आए, जब ये कोरोना चला जाए, कोई वैक्सीन आ जाए, आई एम श्योर बहुत जल्दी वैक्सीन आ जाएगा, हमारे देश के साइंटिस्ट और भी बहुत सारे देशों के साइंटिस्ट इस चीज़ में लगे हुए हैं, दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, कोई ना कोई वैक्सीन ज़रूर लेके आएंगे वो मार्केट में। और जब ये टाइम बुरा वक्त चला जाएगा तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने होंगी और यही बॉस आपको वापस आई एम श्योर फ़ोन करके बुलाएंगे कि यस यू कैन कम बैक। सो दिस इज़ द मेन टिप। हमेशा जो आपके ओल्ड नेटवर्क्स थे उनसे फॉलोअप लेते रहिए, उनको याद करिए, उनको फ़ोन करिए, उनको भी अपना रिज्यूम फॉरवर्ड करिए, उनको भी बोलिए कि मेरा रिज्यूम वो कहीं फॉरवर्ड करें जहाँ पर भी किसी कोई जॉब वैकेंसी उनकी नज़र में हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैव फेथ इन योर सेल्फ। अगर आपने अपने ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया तो समझ लीजिए आपके दरवाजे पर भी अपॉर्चुनिटी होगी तो आपको नहीं दिखेगी। सो अपने ऊपर विश्वास रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, अब बात कर लें उन लोगों की जिनकी अभी जॉब है। तो दोस्तों, जिन लोगों की अभी जॉब है, हाउ कैन दे सस्टेन और हाउ कैन दे प्रिवेंट देयर ले ऑफ? सो गाइज, फॉर दोज गाइज, दे शुड टेक देयर वर्क फ्रॉम होम सो सीरियसली। आप सभी लोग जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उसको सीरियसली लेना स्टार्ट कर दीजिए, अगर नहीं लेते हैं तो। क्यों, जितना आप ऑफिस में काम करते थे उससे डबल आप दीजिए, उससे डबल परफॉर्मेंस दीजिए। आपके सीनियर्स को लगना चाहिए कि यस द पर्सन ही इज़ वर्किंग। कीप इन टच विद योर सीनियर्स, उनके टच में रहिए हमेशा, काम का जिक्र करते रहिए उनसे, काम के प्रति फिक्र दिखनी चाहिए उनको आपके अंदर। एंड वन मोर थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैं आई एम श्योर दैट आप लोगों के भी कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे कंपनी के, उन ग्रुप्स में मैसेजेस आते रहेंगे जिसमें कुछ टास्क आती होंगी, कुछ कोई भी आपको काम दिया जाता होगा। डू नॉट इग्नोर दोज मैसेजेस, जो भी आपके बॉसेज, आपके सीनियर मैनेजमेंट्स जो मैसेजेस दे रहे हैं आपको कम्युनिकेट करने के लिए, उस कम्युनिकेशन को कभी मिस मत करिए, हमेशा एक स्टेप आगे रहिए इन सब चीज़ों में। कीप इन टच विद योर कुलीग्स ऑल्सो, जो आपके कुलीग्स हैं, जो आपके साथ आपके ऑफिस में काम करते थे उनके भी टच में रहिए, उनसे भी पूछते रहिए अगर काम से रिलेटेड कोई हेल्प की उनको ज़रूरत हो तो। एंड एट दिस टाइम यू कैन इन्हेंस योर स्किल्स ऑल्सो, ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए। उन ऑनलाइन कोर्सेज में आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिलेगा बाय विच यू कैन इन्हेंस योर स्किल्स। वर्क हार्डर गाइज, एट दिस टाइम ऑफ मूवमेंट एटलीस्ट यू शुड वर्क वेरी वेरी हार्डर, बी पंचुअल एवरी टाइम। जब भी आपकी कोई कॉन कॉल हो, आपको किसी भी तरह का कोई टास्क ज्वाइन करना हो तो बी पंचुअल इन दैट, बी फ्लेक्सिबल। आपके बॉसेस के पास भी आजकल बहुत काम होगा आई एम श्योर, कंपनी ने उनको भी बहुत सारे काम दिए होंगे, उनको कॉल करके पूछिए सर मेरे लायक कोई काम हो तो प्लीज़ शेयर विद मी, आई कैन हेल्प यू आउट। डोंट कंप्लेन, दिस इज़ गाइज, दिस इज़ नॉट द टाइम टू कंप्लेन। तो उन कंप्लेंस को बचा के रखिए, जब सब ठीक हो जाएगा उस टाइम पे आप करिएगा। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू कंप्लेन फॉर एनीथिंग। हमेशा आप हेल्प के लिए हमेशा ऑफर करते रहिए। एंड गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट, बी पॉजिटिव एट दिस टाइम ऑफ मोमेंट, यू हैव टू बी पॉजिटिव। अगर आपको आप नेगेटिव हो गए तो फिर कुछ नहीं है, फिर आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी नहीं दिखेंगी। एंड गाइज, जैसे कि अभी मैंने पहले भी कहा था, दोज गाइज जो जिनके पास नौकरी नहीं है इस टाइम, वो भी नेगेटिव लोगों
को अप्रोच नहीं कर रहे हैं इस टाइम, उनको भी पॉजिटिव लोगों की ज़रूरत है, और हर कंपनी को पॉजिटिव लोगों की ज़रूरत है जो ऑप्टिमिस्टिक हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ अच्छे सजेशंस दीजिए। तो अपनी स्किल्स इन्हांस करते रहिए एंड आई एम श्योर इस आपदा से भी हम उबर जाएंगे एक ना एक दिन। ऑल द बेस्ट गाइज, एंड आई होप यू लाइक माई सेशन, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू फॉरवर्ड दिस वीडियो टू somebody who needs it. Thank you. Thanks a lot.